प्रभाव को तो मैं मेरी फैमिली की तरह ही देखती हूँ मैं आजू बाजू आजु में मेरे आजू बाजू में कौन है मैं वो नहीं देखती हूँ <स्थाँगा> और देखना भी नहीं चाहूंगी <स्थाँगा> बस मेरा काम मैं करना चाहूंगी और मैं जनता की सेवा करना चाहूंगी तो जनता खुद जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है <स्थाँगा> उनको अभी दिखाने की जरूरत ही नहीं है जो झूठे वादे करके छोड़ दिए है ना जनता उनको खुद अभी रास्ता दिखाने वाली है मुझे रविंद्र जी सावंत से पूरा सपोर्ट मिलता है और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते कि प्रभाग के कोई भी जनता को कुछ भी तकलीफ ना हो हर सुविधाएं उनको मिले जैसे हॉस्पिटल हो एनिमल हॉस्पिटल हो बच्चों का हॉस्पिटल हो लेडीज डिलीवरी हो ये सारा विकास के लिए मैं मॉडल देखना चाहती हूँ मेरे प्रभाग के दोस्तों नमस्कार टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नोइंबई जिला कांग्रेस की सचिव विद्या भांडेकर जी आप लंबे समय से समाज के लिए काम कर रही हैं महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और नेहरूल के प्रभाग इकतीस वार्ड के लिए काम कर रही हैं मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि अभी हाल में चुनाव की बहुत सरगर्मियाँ थी नई मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है ऐसे में आपको क्या लग रहा है क्या विकास हुआ है आपके खास प्रभाग में जो प्रभाग इकतीस है अभी गए कुछ सालों से तो कुछ प्रभाग का विकास नहीं हुआ था हुँ. हम लोग ये है जो कार्यकर्ता जो हमारे पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल्स नेता है जैसे कि मेरे प्रभाग में रविंद्र जी सावंत है उसके मार्गदर्शन से हमने बहुत सारे काम वहाँ पर किए हुए हैं जैसे कि छोटे छोटे गार्डन्स है गार्डन का मेंटेनेंस है ज्येष्ठ नागरिक विरोंगरा केंद्र है जो स्ट्रेट पोल लाइट रहते वो स्ट्रेट पोल पोल पोल, पोल लाइट्स नहीं थे बहुत सालों से वो हमने बहुत जगह के चेंज करवा के लिए है बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो रस्ते थे रस्ते खराब थे वो रस्तों को भी डागडूजी करवा के लिए गई हुई है जैसे कि बच्चों के स्कूल्स है स्कूल के पास में जाते हुए रस्ते रहे रस्ते है सर्कल से वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के डर डर थे जो रस्ते पूरे तरह से खराब हुए थे आ, वो भी हमने करवा के लिए है सर और छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम प्रभाग में जो वाटर मीटर गटर्स इसके अलावा भी बहुत सारे काम्स रहते हैं जैसे कि जैश नागरिक का जैश नागरिक है छोटे बच्चे है पालियो प्राणी से लेके बच्चों और जैश नागरिक तक के हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए कि जो आप देख सकते हो कि हमारे हर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं आपके प्रभाग में कौन सी प्रमुख समस्याएं आपको लगती हैं जो नगर सेवक जो वहाँ के स्थानीय रहे हैं वो नहीं उसका समाधान कर पाए हैं ऐसा देखा जाए तो कोई भी समाधान नहीं उन्होंने किया हुआ नहीं है जैसे कि हमारे अभी कोरोना में बहुत सारे नागरिक थे छोटे बच्चे थे उनको वैक्सीन उनको अनाज खाना उनका भाजी दूध ये सबका ज़रूरत था hmm. तो वो टाइम में कोई भी बाहर निकला हुआ नहीं था hmm. हम लोगों ने हर टाइम एट अ टाइम वहाँ पर वादवा टावर से लेकर hmm. hmm. अपना नगर सांपाड़ा नेरुल hmm. सेक्टर दो एल आई जी इन सब तरह सब जगह पर हम लोगों ने hmm. Hmm. कुछ अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया डी मार्ट वालों से डिस्कशन करके वहाँ पर हम लोगों ने अनाज उनको अवेलेबल कर कर दिया फिर भाजी नहीं मिलता था सब्जियों के हर ठेकेदार को कॉल कर कर वहाँ पर हर जगह पर डिवाइड करके हर डे एक, एक दिन इधर एक दिन उधर ऐसा करके उनको भाजी का ठेला वगैरह लगा के दिया था वो टाइम तो कोई भी नगर सेवक तो आया ही नहीं है लोगों के समस्या जानने के लिए सैनिटाइजर का प्रॉब्लम रहता था घर में बच्चे बीमार रहते थे बूढ़े बीमार रहते थे उनका घर कोरोना की वजह से सब डरते थे हम खुद वहाँ पर जाके किया कि जैसे कि हमारा फैमिली मेंबर थे वो सब एस, इस हिसाब से हम लोगों ने पूरा वहाँ पे काम किया है आपको लगता है कि जो प्रभाग में हर नगर सेवक को बड़ी बड़ी एक धनराशि मिलती है विकास का फंड मिलता है लेकिन प्रभाग इकतीस में जो पर्टिकुलर नेहरू का इलाका है उसमें उस तरह से उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया और समस्याएं जस की तरफ हैं सम, समस्याएं है तो सब बहुत सारी है वहाँ पर तो कि अगर आप जाकर पूछोगे किसी को आपका नगर सेवक का नाम क्या है तो यहाँ ये भी लोगों को पता नहीं है तो आप इस पर से ही जान सकते हो हाँ. कि प्रभाग में कितना समस्या और कितना निवारण हुआ है आप लोगों ने कई मुद्दों को लेकर जैसे पानी का मामला हो महंगाई का मामला हो और दूसरे तमाम जो वहाँ पर नागरी विकास के मामले हैं रविंद्र सावंत जी के नेतृत्व में आपने आंदोलन किया क्या उस आंदोलन का कितना असर रहा कौन कौन से आंदोलन खास रहे जिन पे आपको सफलता मिली जैसे कि मोदी सरकार जैसा आया है उस टाइम से जो अपने जेब को कैची लगी हुई है ना तो अभी तक कैची लगी हुई है उनको एक मतलब से नींद में से उठने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे हमारे बाजू में चिंचली तलाव है वो चिंचली में जाकर हम लोगों हाँ। ने आंदोलन किया था कि सरकार को थोड़ा सा हो जाएगा उठ जाएगा ऐसे बहुत सारे हमने आंदोलन किए अभी जस्ट हमने धोलता आंदोलन किया हाँ। देखिए महंगाई को लेकर सिलेंडर का भाव अगर देखोगे ना पहला साढ़े तीन सौ रुपया सिलेंडर था अभी एक हजार पार हो गया है पेट्रोल का भी भाव छब से रुपीस था अभी एक सौ पच्ची रुपया पेट्रोल हो गया हाँ। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन फिर भी ये सरकार को जाग नहीं आ रही है स्मृति ईरानी थे हाँ। उन्होंने जब साढ़े तीन सौ रुपया सिलेंडर था तो, तो में बताया था आंदोलन किया था हाँ। अभी शायद हमारे दीदी तो सो ही गए हैं हाँ। उन्हें अभी महिलाओं की कुछ पड़ी हुई नहीं है कि एक हजार के ऊपर सिलेंडर गया है फिर भी माता जी हमारे किधर है दिख नहीं रही है ऐसे सारे आंदोलन हम लोगों को आम जनता को करने पड़ रहे हैं जन्दा, आम, जनता के लिए कि ताकि उन लोगों को थोड़ा सा तो शर्म आए लेकिन उन लोगों में शर्म नाम की चीज ही शायद बची में आप लोगों नहीं ने पानी सप्लाई के लिए भी आंदोलन किया था वहां पर गटर वगैरह के निर्माण के लिए हाँ पानी सप्लाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लोगों ने वो हमारे हर बार कुछ ना कुछ लेटर्स जैसे भी किसी का आपको कंप्लेंट्स आता है तो पानी का हमने दिया था फिर वो और आजू बाजू में कुछ गार्डन्स है गार्डन में साफ सफाई नहीं था वो सारे हमने करवा के लिए है और कुछ मेरी गली है जहाँ पर मैं रहती हूँ एल एक हमारा पर्टिकुलरली सर्व सामान्य लोगों का एरिया है नहीं। नहीं। वहाँ पे मेरे मुझे ये रहने में बावि साल हो रहा है वो तभी से वहाँ पे कुछ लाइट ही नहीं थी पूरा अंधेरा में था मैंने वहाँ पे पाँच छः लाइट हम लोगों ने नगर पालिका से महानगर पालिका से वगैरह दे के उनसे करके, वो सारे लगा के लिए। अभी सब लोग थोड़ा सा खुश है क्योंकि उजाला होता है तो हाँ। मन में भी थोड़ी सी शांति और अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं हाँ। अंधेरा तो महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के लिए भी खतरा होता है और तमाम और तरह की तकलीफें होती हैं आप लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के उत्थान को लेकर उन्हें आत्मनिर्भर हाँ बनाने के लिए तमाम तरह के अभियान आप चलाती हैं क्या अभियान है थोड़ी जानकारी दीजिए और कितने महिलाओं का इससे लाभ हो रहा है क्या क्या काम शुरू किए गए हैं हाँ पहले सर हमने जैसा कि लॉकडाउन जब भी खत्म चालू होने से पहले हम लोगों के बहुत सारे क्लासेस चलते थे जैसे कि पार्लर क्लास था मेहंदी क्लास था कुकिंग कुकिंग क्लास था इवन रंगोली रंगोली जो रहता है रंगोली था सिलाई मशीन था ये सारे क्लासेस मैंने हमेरे यहाँ पे डेली का डेली वो एक सौ डेढ़ सौ महिलाएं आकर सीखती थी मेरा एक दिन में चार चार बैचेस चलता था और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था उसका मेरे प्रभाग में महिलाओं ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है और कुछ महिलाएं है ऐसी हैं उसमें से उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया हाँ। उन्होंने ये जो बिजनेस चालू किया है उसमें से मुझे बहुत आनंद होता है कि एक महिला स्वावलंबी बन गई हाँ। है आज के ज़माने में घर बैठना और पैसा कमाना बहुत मुश घर चलाना बहुत, बहुत मुश्किल है येस येस। ऐसे मुश्किल घड़ी में सब महिलाओं ने किया है मुझे उसमें बहुत आनंद है कि कोई महिला है कोई लड़कियां है उन्होंने कुछ केक शॉप चालू किए है घर में से केक बनाकर बेचती है कुछ महिलाओं ने पार्लर चालू किया है कुछ महिलाओं ने सिलाई का चालू किया है मेहंदी के मेहंदी के ऑर्डर्स ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर्स अभी मेरे जो यहाँ पे सीखती अच्छा, थी महिलाएं वो लेती हैं अच्छा, तो, तो मुझे बहुत आनंद होता है अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने बीच में महानगर पालिका में अपने जो आयुक्त थे उनसे मैंने सीसीटीवी कैमरे के लिए भी अप्लाई किया हुआ है आप जो कई महिलाओं के लिए आपने कुछ होटल या फूड सेंटर खोला था क्या कैसे सफलता उनको मिली कितना उनको रिस्पांस मिल रहा है मैंने रविंद्र सावंत जी के नेतृत्व में हुँ. हमने घर की घर चेठवन मनू ने एक चो, छोटा सा होटल चालू किया था कि जो महिलाएं हैं जो कुछ कुछ नहीं आता है उनको जैसे हुँ. कि ये सीख सीखने में उनको कुछ नहीं आता था अनपढ़ कुछ महिलाएं रहती है तो वो बस भाजी रोटी इसमें यही सब चलता है इसके लिए हमने वो उनको चालू करके दिया था उसका भी हमें बहुत अच्छे से सक्सेस मिला महिलाओं ने किया फिर उसका एक आ, हमने और एक ब्रांच चालू करने के लिए सोचा है कि महिला को कुछ ना कुछ हाथ को काम मिलेगा कुछ कुछ जैसे कि रविंद्र सावंत है ये कामगारों के नेता है तो उनको ऐसा लगता है कामगारों के साथ में महिला भी कोई घर में नहीं बैठे होने चाहिए आजकल अगर देखते हो आप तो इनकम आपका कम हो गया है और आउटगोइंग ज्यादा हो गया एक्सपेंसिव ज्यादा हो गए तो हम लोग खर्चा कैसा करें इस हिसाब से महिला को हम प्रोत्साहन देने के लिए वो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ चालू करने का एक प्रयास हमारा था वो सफल हो गया तो आने वाले समय में आप क्या प्लान है आपका कि अगर आपको मौका मिलता है महानगर चुनाव में तो क्या आप प्रमुख काम करना चाहेंगे ताकि उस प्रभाव का विकास हो और लोगों को उसका बड़ा फायदा मिले पहले तो मैं मेरे बच्चे मेरा भी एक लड़का है उसके उसको उसके जगह अगर हमारा घर ही अच्छा रहेगा तो हम पूरा विकास कर सकते हैं हाँ। बच्चों के खेलने के लिए कुछ गार्डन्स चाहिए हमें हाँ। और हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं नागरिक सीनियर सिटीजन, हाँ। सिटीजन हाँ। उनके लिए हमें एक बटरफ्लाई गार्डन का मैंने मांगने मांगने किया हुआ है हाँ। पिछली बारी और बहुत सारे हैं जो 2010 बारह में रविंद्र सावंत जी ने एक स्विमिंग पूल और बच्चों का क्रीडा क्रीडागन अच्छा, के लिए हाँ, मांगने किया हुआ था उसका भी वो सक्सेस हो, हो चुका है वो भी मिल जाएगा और हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल हमें चाहिए जैसे कि कुछ बच्चों को होता है तो हमें मीना तय में लेकर जाना अच्छा, पड़ता है हाँ, हाँ। तो पास में अगर रहेगा बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए तो वो एक बेटर रहेगा इसलिए हम वो विकास की तरफ ध्यान देना चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके हमारे प्रभाग के जनता को नागरिकों के, नागरिकों को कोई समस्या न आए जहाँ पर हम उनका निवारण कर सके ऐसे जगह जगह पर हम हमारे की बेहतर, की बेहतर सुविधा आसपास में बिल्कुल होनी चाहिए ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े हाँ। और तकलीफ न उठानी पड़े आप कांग्रेस की जिला सचिव भी हैं, किस तरह से पार्टी का काम आप संभालती हैं आप तो लगातार जैसा बता रहे हैं कि समाज सेवा में जनता की सेवा में आप व्यस्त तो पार्टी का काम कैसे संभालती हैं सर पार्टी का काम में है ये मेरे वार्ड का ही काम संभालती हूँ मुझे रविंद्र सावं जी के नेतृत्व में मैं काम करती हूँ और जो मेरा वार्ड है थर्टी वन मैं वहाँ से जो भी समस्या है उसका मैं ध्यान देती हूँ कि मेरे स... वार्ड में कोई समस्या ना आए कोई बुजुर्ग रहे कोई रहे कोई महिला रहे उन्हें कोई समस्या ना आए इसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ मैं खुद आ, अगर मुझे कॉल आता है कि हमें फौवार नहीं करना है कुछ मच्छर का हो या सैनिटाइजिंग हो मैं खुद वहाँ पर पंपिंग लेकर जा चली जाती हूँ और खुद करवा कर लेती हूँ कि चलो हाँ ठीक है कोई किसी को तकलीफ ना हो क्योंकि देखिए अगर किसी को कुछ मच्छर भी अगर काट लेता अभी बीच में बहुत डेंगू का, देंगु का uh, मलेरिया का बहुत सारा प्रमाण बढ़ गया था उस हिसाब से अगर उन उसके फैमिली का कुछ होता है तो मतलब से वो मेरी ही फैमिली है so, इस वजह से हम खुद पहले ही वहाँ पर जाकर उनका हम सपोर्ट कर देते कि उनको कोई तकलीफ ना पाए एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और आजकल अगर देखें तो कांग्रेस को छोड़ दें तो वहाँ पर दूसरी पार्टी में महिलाओं को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता जितना कि बड़े लेवल पे कांग्रेस में मिलता है आपका नाम भी कांग्रेस में एक सक्रिय महिला नेता के तौर पर उभर कर आया है कितनी खुशी होती है और कितना सपोर्ट मिलता है जो सीनियर लीडर हैं आपके पार्टी के तरफ से हाँ सर खुशी तो बहुत होती है कि हर जगह अपना आपका नाम रहता है हर प्रोग्राम हमारे मेरा कोई भी संडे नहीं जाता है कि मेरे ऑफिस में हाँ। प्रोग्राम नहीं है रविंद्र सावंत जी ने मुझे और एक छोटा सा ऑफिस दिया हुआ है वहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए मैंने चालू किया है महिलाएं समस्या के लिए वहाँ पर आती है उनका हर समस्या का निवारण हम करने का पूरा प्रयास करते हैं हम वहाँ पर हर सैटर हर सैटरडे संडे एक लेडी वकील रहती है अगर किसी का फैमिली मैटर भी है या कुछ भी इशू है वो लेडी उनको फ्री में कंसल्ट करती है लीगल सपोर्ट लीगल सपोर्ट भी मिलते हैं और वहाँ पे हमने वो हर चीज़ ऐसा उनको लेडीज़ के हिसाब से हमने प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक लेडीज हूँ <laughs> तो शायद कोई मेरे से कुछ बचा नहीं है कि जो लेडीज तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ या ऐसा कोई भी नहीं है काम कि जो मैंने पीछे छोड़ा अधूरा छोड़ा हुआ <laughs> है uh, मेरा सवाल अभी भी, भी अधूरा है कि आपका काम पूरा हो गया लेकिन आपके पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिलता है मुझे रविंद्र जी सावंत से पूरा सपोर्ट मिलता है और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं कि कोई भी बात उनसे वो ऐसा कोई नहीं हाँ मुझे ये करना है हाँ ठीक है मैम कर अब अगर देखोगे तो मेरा पूरा हर संडे उनके ही ऑफिस में मेरे प्रोग्राम्स रहते हैं अभी मैंने अम्बेडकर जयंती किया अम्बेडकर जयंती के टाइम पे मेरा हेल्थ कैंप था दो टाइम मैंने वंदना लिया फिर कुछ बच्चों में हमने अनाथ आश्रम जाके कुछ खाना और कुछ चीज़ें बांटी बच्चों के बच्चों के लिए जो अंबेडकर जी का नारा था शिक्षा यानी संगठित हुआ हाँ। इस हिसाब से हमने बच्चों में कुछ बुक्स नोट्स बुक्स और कुछ स्टोरी बुक्स कुछ बुक्स उन्हें देकर पेन पेंसिल pen, देकर हमने वो थोड़ा सा नारा आगे जाने का कोशिश किया ताकि बच्चे सीख सकें पढ़ सकें पढ़ उनको हौसला मिले बढ़ने के लिए आप अपने प्रभाग को किस नजरिए से देख रही हैं किस तरह का मॉडल उसे बनाना चाहती हैं विकास में मेरे प्रभाव को तो मैं मेरी फैमिली की तरह ही देखती हूँ और विकास का देखा जाए तो मैं मेरे प्रभाग के कोई भी जनता को कुछ भी तकलीफ ना हो हर सुविधाएं उनको मिले जैसे हॉस्पिटल हो एनिमल हॉस्पिटल हो बच्चों का हॉस्पिटल हो लेडीज़ डिलीवरी हो कोई भी चीज़ हो तो उसका मैं विकास और लाइब्रेरी हो बच्चों के लिए ये सारा विकास के लिए मैं मॉडल देखना चाहती हूँ मेरे प्रभाग के लिए आप अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो लोग आपके पास जो सेवाएं चल रही हैं जो प्रशिक्षण चल रहे हैं महिलाओं के प्रोत्साहन देने के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए तो किस तरह से उसका लाभ उठाएं कैसे आप उन्हें अपील करना चाहेंगी हाँ मैं बस महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप को आप सोई को अकेला मत समझे हम लोग आपके साथ है और संकट आते जाते रहते कोई भी संकट में आप धैर्य ना छोड़िए कोई भी चीज़ हो हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे थे है और रहेंगे कोई भी प्रोग्राम हो या कोई अगर आपको और कुछ क्लासेस चाहिए रहे, तो आप मुझे संपर्क कीजिए तो मैं आपके हिसाब से भी और कुछ डेवलप उसमें कर सकती हूँ तो ज़रूर मैं करूँगी आपने बताया कि वार्ड में आपके विकास के क्या क्या प्लान हैं अब अगर चुनाव आने की तैयारी है आज नहीं कल चुनाव होंगे ही होंगे महानगर पालिका कैसे में जब कैंडिडेचर होता है तो आप को कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही उम्दा उम्मीदवार के तौर पर आप देखी जा रही हैं आप अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से देखती हैं कितना मुकाबला आपको लगता है कि जो सामने उस वार्ड में खड़ा होने वाला कोई कैंडिडेट है और आपके बीच में मुकाबला किस तरह का होगा किस में आप ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करें और आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा योग्य हैं पहली बात तो सर मैं कोई कैंडिडेट को मेरे सामने देख नहीं हूं मैं हुँ। मेरा काम करते रहती हूँ मुझे मेरे आजू बाजू में कौन है उसे कोई मतलब नहीं है मेरे हाथ में एक झंडा दिया हुआ है जो कांग्रेस पक्ष का है जो मेरे गुरु है रविंद्र जी सावंत उनके उनके मार्गदर्शन से मैं चल रही हूँ मैं आजू बाजू में मेरे आजू बाजू में कौन है मैं वो नहीं देखती हूँ जनता की सेवा करना चाहूंगी आ, आपके खिलाफ में बाहरी कैंडिडेट है आप स्थानीय है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है की जनता आपके साथ रहेगी सर मैं इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य से मराठी लड़की हूँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वतंत्रता और स्वराज्य का निर्माण सिखाया है उस तारा रानी की मैं एक छोटी सी मावला हूँ तो मेरे जो भाई बंधु है और मुझसे क्यों नहीं प्यार करेंगे आप ही सोचिए आपको लगता है कि जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ तो आपको विश्वास है कि जिस तरह से आप जनता के लिए काम कर रही हैं तो जनता का हाथ अब कांग्रेस के साथ असर जनता जनार्दन माए बाप होती है और जो आप कुछ दिनों से देख रहे हो इतनी सारी महंगाई हुई है महंगाई के बारे में चलते हुए लोगों को अभी सब समझ में आ चुका है कि जो कोई फंसा रहा है कोई नहीं फंसा रहा है कौन सी आ, कौन सा पक्ष अच्छा था जो साठ साल कांग्रेस पक्ष ने दिए हुए हैं, उनमें से जो लोग थे दो टाइम का खा खाना तो टाइम से खाते थे और अच्छे से नींद लेते थे अभी अगर आप देखा देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते है पंद्रह लाख रुपए आने वाले थे जब ही मोदी जी ने बोला था किधर गए पंद्रह लाख पता नहीं या किसी के अकाउंट में आए वो पता नहीं है तो जनता खुद जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है उनको अभी दिखाने की जरूरत ही नहीं है वो जनता जनार्दन ही भूल चुके हैं अभी ठेंगा आदमी को जो झूठे वादे करके छोड़ दिए है ना जनता उनको खुद अभी रास्ता दिखाने वाली है जो ऐसा कि आपने देख लिया है कोल्हापुर में हमारी एक सीट आई है कांग्रेस की तो मतलब से उसका एक हमें बहुत आनंद है और जनता हमसे फिर से जुड़ने लगी है और जनता को अच्छा और बुरा इसमें का समझ आ जा समझ में आ चुका है तो जनता हमेशा कांग्रेस के साथ थी ईवीएम मशीन आप बंद करके देख लीजिए और फिर चालू कर दीजिए तो फिर देखे आपका कमल किधर जाएगा पता नहीं रहेगा आपको मैडम बहुत बहुत थैंक यू आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया आप थी नोइंबई जिला कांग्रेस की सचिव विद्या भांडेकर जी जो मेरे तमाम सवालों का जवाब दे रही थी हम इनसे हमने उनसे इन पूछने की कोशिश की नेहरुल प्रभाग इकतीस के विकास के बारे में उनके विजन के बारे में महिलाओं को उत्थान के बारे में और नोइंबई के कांग्रेस के प्रगति के बारे में आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ये मिशन चला रही है महिलाओं को उत्थान का प्रभाग इकतीस के विकास का उस मिशन का फायदा जनता को पूरी तरह से होगा और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जनता इसका लाभ उठाएगी आज की बातचीत में बस इतना ही दीजिए हमें इजाजत लेकिन आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दीजिए